दोस्तों, स्वप्न लोक की दुनिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यदि आपने सपने में नल में पानी आते हुए या नल से गंदा पानी आते हुए देखा है तो इसका क्या अर्थ होता है। दोस्तों, हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को नींद में कोई ना कोई सपना जरूर दिखता है। सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कई बार लोगों को लगता है कि सपने में कभी भी पानी नहीं दिखना चाहिए। सबसे पहले हम हमारे दोस्तों को बताना चाहते हैं कि सपने में पानी देखने का मतलब कोई अशुभ बात नहीं होती है। जो लोग सपने में पानी देखते हैं उन्हें समझाना है कि आगे चलकर उनकी ज़िंदगी में उन्हें कभी भी पानी की कमी महसूस नहीं होगी। कई बार देखा गया है कि सपने में नल से पानी गिरना जब कोई देखता है तब उसे ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ गलत होने वाला है। लेकिन दोस्तों, सपने में पानी देखकर आपकी ज़िंदगी में कोई अशुभ घटना नहीं होगी। इसलिए आज हम आपको सपने में नल से पानी गिरने का मतलब क्या है इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति सपने में नल का पानी देखता है उस व्यक्ति के जीवन में आनंद, समृद्धि और खुशी होती है, क्योंकि हर किसी को सपने में नल का पानी नहीं दिखता है। सपने में नल का पानी भरते समय यह सपना पूरी तरह से देखने की कोशिश करें, क्योंकि वहीं हम पूरा सपना अधूरा देखते हैं और इस सपने के बारे में सोचते रहते हैं, जिसके कारण सपने का स्वप्नपन हमें समझ में नहीं आता। सपने में नल का पानी देखने से आप में खुद के आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि सपने में नल का पानी देखना का मतलब ऐसा बताता है कि आपका कारोबार बढ़ने वाला है, और अगर आप खेती करते हैं तो इस साल आपको बहुत सारी फसल आने वाली है। जिन किसानों को सपने में नल का पानी दिखता है उन किसानों को समझना है कि इस साल बहुत बारिश होगी और फसल अच्छी आएगी। कई बार सपने में नल का पानी देखते समय आपने इस नल को बंद करने की कोशिश करना चाहिए। कई बार दोस्तों, हम सपने में देखते हैं कि हमने नल चलाया है और पानी बह रहा है और हम नल को बंद नहीं करते हैं, तो यह सपना अच्छा सपना नहीं माना जाता, क्योंकि भगवान ऐसे सपने से नाराज़ हो सकते हैं, क्योंकि भगवान को भी पता है कि नल का पानी कितना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यदि जो इंसान अपने सपने में बहता हुआ पानी देखता है उस इंसान ने इस सपने को लेकर अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि बहता हुआ पानी का बयां करता है कि आपकी ज़िंदगी बहती हुई रहेगी, मतलब आप खुद को वक्त नहीं देंगे, आप हमेशा बीवी बच्चों को लेकर बिजी रहोगे। इसलिए सपने में बहता हुआ पानी देखते समय खुद को सतर्क करें। जिन लोगों का कहना है कि सपने में बहता हुआ पानी देखते समय हमारे शरीर में कुछ कुछ होने लगता है, उन लोगों को समझना है कि आगे की ज़िंदगी में आप कुछ ना कुछ अच्छी सफलता प्राप्त करने वाले हो। सफलता प्राप्त करते समय मार्मिक दुख को भुगतना पड़ता है, इसलिए इस बात को लेकर आप हमेशा तनाव में रहते हो, आप जिससे आपकी बहुत सारी परेशानियां बहते हुए पानी के साथ चली जाएंगी। सपने में गंदा पानी देखना या नल से गंदा पानी निकलते हुए देखने का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों, स्वप्न ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गंदा पानी देखने का मतलब अशुभ संकेत देता है। जैसे कि आप अपना कोई नया काम शुरू करने के बारे में सोच रहे हो तो उसमें आपको सफलता नहीं मिल पाएगी, और यह यूँ समझे कि आपके परिवार में कोई संकट आ सकता है। तो आपको सपने में अगर गंदा पानी आता है तो आपको अपने काम पर अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। इस समय अगर आप नौकरी या व्यापार करते हैं तो इस समय आपको किसी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है। इस तरह सबका सपना आपको धन हानि होने की ओर संकेत करता है, इसलिए अगर आप भी यह सपना देखते हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। वहीं दोस्तों, यदि आप देख रहे हैं कि नल चल रहा है और उसमें से बहुत गंदा या कीचड़ वाला पानी निकल रहा है, या कोई देखता है कि वह किचन में काम कर रहा है और उसने वहाँ दूर से खड़ा हुआ वह देख रहा है नल चल रहा है और उससे गंदा पानी निकला है और आपके किचन को गंदा कर रहा है, तो दोस्तों इस तरीके का सपना एक बहुत ही अशुभ सपना माना गया है। इस तरह का सपना परिवार पर भारी संकट आने की ओर इशारा करता है, या फिर मौत जैसी दुख से भी निकलना पड़ सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको इस तरीके का सपना आए तो आपको भगवान, अपने पितृ देवताओं और इष्ट देवता की से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो इस सपने के असर को ख़त्म कर दें। तो दोस्तों, यह था मतलब सपने में नल से पानी बहते हुए देखने का। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी रोचक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल सोल जर्नी से। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।